यूपी के मेरठ लोकसभा सीट से जीते सांसद अरुण गोविल शपथ ले रहे थे। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि संसद में बैठे सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उनकी शपथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यते निर्वाचित अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अरुण गोविल शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी के सांसद हल्ला करने लगे। अरुण गोविल को देखकर सपा सांसद कह रहे थे कि बेईमानी से जीते, बेईमानी से जीते। हालांकि अरुण गोविल ने उस वक्त टिप्पणियों का कुछ नहीं कहा और शपथ लेने के लिए आगे बढ़ गए। आपको बता दें, संस्कृत में शपथ लेने के बाद बीजेपी सांसद ने जय श्री राम कहा, उसके तुरंत बाद लोकसभा में जय अवदेश के नारे गूंजने लगे। पहले आप ये देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राम, जय भारत। वही आपको बता दें उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से सांसद बड़े अरुण गोविल रामन सागर की पौराणिक नाटक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। ये कार्यक्रम 30 साल पहले काफी लोकप्रिय हुआ था। बता दें, कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जब उनका दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया तो ये रिकॉर्ड ही बन गया। बता दें, राम मंदिर बनने के बाद अरुण गोविल की उम्मीदवारी से बीजेपी वेस्टर्न यूपी में हिंदू वोट लामन करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त सीट पर अरुण गोविल ने जीत दर्ज की थी। बता दें, अरुण गोविल 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे। यूपी के मेरठ लोकसभा सीट से जीते सांसद अरुण गोविल शपथ ले रहे थे। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि संसद में बैठे सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उनकी शपथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यते निर्वाचित अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अरुण गोविल शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी के सांसद हल्ला करने लगे। अरुण गोविल को देखकर सपा सांसद कह रहे थे कि बेईमानी से जीते, बेईमानी से जीते। हालांकि अरुण गोविल ने उस वक्त टिप्पणियों का कुछ नहीं कहा और शपथ लेने के लिए आगे बढ़ गए। आपको बता दें, संस्कृत में शपथ लेने के बाद बीजेपी सांसद ने जय श्री राम कहा, उसके तुरंत बाद लोकसभा में जय अवदेश के नारे गूंजने लगे। पहले आप ये देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राम, जय भारत। वही आपको बता दें उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से सांसद बड़े अरुण गोविल रामन सागर की पौराणिक नाटक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। ये कार्यक्रम 30 साल पहले काफी लोकप्रिय हुआ था। बता दें, कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जब उनका दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया तो ये रिकॉर्ड ही बन गया। बता दें, राम मंदिर बनने के बाद अरुण गोविल की उम्मीदवारी से बीजेपी वेस्टर्न यूपी में हिंदू वोट लामन करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त सीट पर अरुण गोविल ने जीत दर्ज की थी। बता दें, अरुण गोविल 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे। यूपी के मेरठ लोकसभा सीट से जीते सांसद अरुण गोविल शपथ ले रहे थे। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि संसद में बैठे सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उनकी शपथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यते निर्वाचित अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अरुण गोविल शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी के सांसद हल्ला करने लगे।
अरुण गोविल को देखकर सपा सांसद कह रहे थे कि बेईमानी से जीते, बेईमानी से जीते। हालांकि अरुण गोविल ने उस वक्त टिप्पणियों का कुछ नहीं कहा और शपथ लेने के लिए आगे बढ़ गए। आपको बता दें, संस्कृत में शपथ लेने के बाद बीजेपी सांसद ने जय श्री राम कहा, उसके तुरंत बाद लोकसभा में जय अवधेश के नारे गूंजने लगे। पहले आप ये देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राम, जय भारत, वही आपको बता दे उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से सांसद बने अरुण गोविल रामन सागर की पौराणिक नाटक रामायण ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। ये कार्यक्रम 30 साल पहले काफी लोकप्रिय हुआ था। बता दे कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जब उनका दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया तो ये रिकॉर्ड ही बन गया। बता दे राम मंदिर बनने के बाद अरुण गोविल की उम्मीदवारी से बीजेपी वेस्टर्न यूपी में हिंदू वोट लामन करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त सीट पर अरुण गोविल ने जीत दर्ज की थी। बता दे अरुण गोविल 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे। यूपी के मेरठ लोकसभा सीट से जीते सांसद अरुण गोविल शपथ ले रहे थे। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि संसद में बैठे सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उनकी शपथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यते निर्वाचित अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अरुण गोविल शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी के सांसद हल्ला करने लगे। अरुण गोविल को देखकर सपा सांसद कह रहे थे कि बेईमानी से जीते, बेईमानी से जीते। हालांकि अरुण गोविल ने उस वक्त टिप्पणियों का कुछ नहीं कहा और शपथ लेने के लिए आगे बढ़ गए। आपको बता दें, संस्कृत में शपथ लेने के बाद बीजेपी सांसद ने जय श्री राम कहा, उसके तुरंत बाद लोकसभा में जय अवधेश के नारे गूंजने लगे। पहले आप ये देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राम, जय भारत। वही आपको बता दे उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से सांसद बने अरुण गोविल रामन सागर की पौराणिक नाटक रामायण ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। ये कार्यक्रम 30 साल पहले काफी लोकप्रिय हुआ था। बता दे कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जब उनका दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया तो ये रिकॉर्ड ही बन गया। बता दे राम मंदिर बनने के बाद अरुण गोविल की उम्मीदवारी से बीजेपी वेस्टर्न यूपी में हिंदू वोट लामन करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त सीट पर अरुण गोविल ने जीत दर्ज की थी। बता दे अरुण गोविल 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।